हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान। भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान देख रहे थे, तो इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। और एक लेक्चर में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे थे और दूसरे लेक्चर में 100 क्वेश्चन। तो ये दोनों आपके लेक्चर डले हुए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, ठीक है। MCQ के नाम से ये प्ले लिस्ट सूची है, इसी में डले हुए हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 201 क्वेश्चन से आगे, इससे 201 क्वेश्चन से आगे। तो 201वां क्वेश्चन है आपका, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है आपको हैदराबाद, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्या है दूसरा? है दूसरा है आपका, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जादूगोड़ा में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो आपको बता देना है 6, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो याद रखना है लोहे इस्पात उद्योग में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो आपको बता देना है 1974 में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर छः, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो याद रखना है कपड़ा उद्योग, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सात, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो आपको बता देना है लखनऊ में, सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है? तो याद रखिए बेंगलोर, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दस, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखना मुंबई में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो याद रखना जमशेदपुर में, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो याद रखना पहले 16 था, अब 17 हो गया, ठीक, 17 जोन, भारतीय रेल को 17 जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो याद रखना 3 प्रकार के, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिए 1872, कब? 1872 में। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए द्वितीय,
पहले स्थान पर आपका चाइना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है गोवा। कौन है? गोवा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आपको बता देना है केरल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो याद रखना गौंड, गौंड। ठीक है, क्या है? ये ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी में राज्य को इंगित करता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी है राजस्थान। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि क्या है? तो आपको बता देना है ब्राह्मी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1960 में, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो याद रखना दक्षिण एशिया का, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना इंदौर, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, ए ऑप्शन सही है। क्या है? विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो याद रखना चार, सी ऑप्शन सही होगा। चार, भारत में चार जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत कौन से स्थान पर है? तो द्वितीय। क्या है? द्वितीय, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कुल यात्री परिवहन सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो याद रखना 80%, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? जामनगर में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल राज्य में। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, बोक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 38,
वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो याद रखना कार्बेट नेशनल पार्क, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना काजीरंगा अभयारण्य में, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? गोवा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में किस शैलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना भीमबेटका, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो याद रखना सिक्किम, सिक्किम की आप याद रखना है, सिक्किम की तीन राज्यों देशों से मिलती है, चाइना, भूटान और नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो याद रखना वर्षा ऋतु, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो याद रखना प्रायद्वीपीय पठार, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है, चोटी भारत में नहीं है? तो याद रखना माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में है, भारत में नहीं है, केटू भारत में, कंचनजंगा भी भारत में, नंदा देवी भी भारत में है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो याद रखना पालघाट, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो आपको बता देना है 30 डिग्री, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो याद रखना 30 डिग्री, इसमें भी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो याद रखना यूनानियों ने, क्या होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो याद रखना यूनानी ने, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51, मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? याद रखना है आपको मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था, 7, सॉरी कितने में, 7, डी ऑप्शन सही है, 7 भागों में विभाजित था, ठीक है भारतीय समाज। क्वेश्चन नंबर है आपका 52, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो याद रखना कनिष्क, क्या है कनिष्क, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? तो याद रखना राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मिंट टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो याद रखना 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश, कहाँ है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना पुष्कर मेला, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखना झारखंड, याद रखिए राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से आपकी, और त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि
कुल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 58, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो याद रखना, बेहद हिमालय श्रेणी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 59, पटका एवं नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो याद रखना, पूर्वोत्तर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना, बाबर। क्वेश्चन नंबर 61, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो आपको बता देना है, बाबर ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 62, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखना, हुमायूं और शेरशाह के बीच, क्या है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, 16 कुल की नीति किसने अपनाई? तो याद रखना, अकबर ने, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो याद रखना, अकबर, किसे, अकबर को दिया। क्वेश्चन नंबर आपका है 65, कौन सा, 65, भारत 22 क्या है? तो याद रखना, भारत 22 आपका एक्सचेंज ट्रेड फंड है, FETF, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? तो याद रखना, दिल्ली में, ठीक। क्वेश्चन है आपका 67, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो याद रखना, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 68, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है, पूछ रहा है? तो याद रखना, पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, कीमत स्थिरता, ठीक है, और 68 का क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है करने वाली? तो याद रखना, जमुनापारी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप में आई से आई? तो याद रखना, दक्षिणी अमेरिका, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आपका है 71, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना, जयपुर में, क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 72, मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो याद रखना, असम का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो याद रखना है, शारदा लिपि, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 74, एजूथ चान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो याद रखना, केरल का, क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो याद रखना, कर्नाटक, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 76, क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो ये कहता है राष्ट्रपति, आपका क्या करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग, तोमर राजपूत द्वारा, 77वां क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, नई दिल्ली में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1969 में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 79, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन आपका है भील जनजाति से संबंधित, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 80, क्या है 80, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में है। क्वेश्चन आपका है 82, भारत में संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो याद रखना विट्ठल, डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 83 आपका, कौन सा है 83, भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका है 84, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखना भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में? हरियाणा में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान का, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 87, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म रीति है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो याद रखना बाघ की गुफाएं आपकी एमपी में है, भज की गुफाएं ए आपकी राजस्थान में है, बैरसा की गुफाएं राजस्थान में है, और आपकी एलोरा की गुफाएं भी सॉरी महाराष्ट्र में है। भज, बेडसा और एलोरा की, ये तीनों महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाएं आपकी एमपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 89, निम्नलिखित में से क्या नागर डेविड और बेसर की सही व्याख्याएं हैं? तो याद रखना मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं, ठीक है, याद रखना है इसे। क्वेश्चन 90, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में है? तो याद रखना उड़ीसा में। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 91, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान स्थित है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? मैत्री मंदिर आपका है पुडुचेरी में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1966 में, ए ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर आपका है 95, जोधपुर के निकट ओसियान का मंदिर का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया? तो याद रखना है प्रीतिहार। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 96, एमराल्ड बौद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा थाईलैंड। क्वेश्चन है आपका 297, कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था? तो याद रखना बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती। क्वेश्चन नंबर 99,
भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? तो याद रखना है रावण ने। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा आपका। फिर 300 क्वेश्चन, 300 का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? तो याद रखना ओटा माथुलाल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। याद रखिए, तो ये थे हमारे 300 क्वेश्चन भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के। 301 से हम लोग आगे बात करेंगे, 301 से हम लोग आगे देखेंगे।